हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वॉल पेंटिंग के बारे में। तो यहां पे बनाने वाले हैं हम एक वॉल पेंटिंग। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से आपको स्केचिंग करनी है, किस तरह से आपको कौन से कलर यूज़ करने हैं वॉल पेंटिंग के लिए, ताकि आपकी जो वॉल पेंटिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, और किस तरह से आपको उनको कलर को करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे वॉल पेंटिंग से रिलेटेड मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो एक अच्छी वॉल पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो लाइनिंग है, जो आपका ड्राइंग है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्केचिंग कर लेनी है। जो स्केचिंग है वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपकी वॉल पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ वन लाइन में ही कंप्लीट करनी है आपकी स्केचिंग। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी धीरे धीरे वर्क नहीं करना है, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा होता है वॉल का, तो उस हिसाब से आपको अपने हाथ को चलाना होता है। अगर आप धीरे धीरे जैसे पेपर पे वर्क करते हैं, आप पेपर पे स्केचिंग करते हैं, वो बात अलग रहती है, लेकिन वॉल पे जब आप करते हैं तो आपका हाथ जो है काफ़ी फ्लो में चलना चाहिए। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगा लोटस के फूल, और देखेंगे उसको किस तरह से बनाना है, प्रिपेयर करना है और किस तरह से उसमें कलरिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्केचिंग कंप्लीट कर ली है अपनी दोनों वॉल में, और अब यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं अपने कलर की। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फुलफिल कर लेना है सबसे पहले जो भी कलर आप करना चाहते हैं लोटस पे। यहाँ पे हम पिंक कलर यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कलर की, तो आपको कौन से कलर यूज करने चाहिए अपनी वॉल पेंटिंग बनाने के लिए, तो यहाँ पे दो कलर आप यूज कर सकते हैं। जो कलर यहाँ पे वॉशेबल नहीं होते हैं वाले कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको वाटर कलर यहाँ पे यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो वॉशेबल होते हैं। और यहाँ पे आपको यूज करने हैं एक्रेलिक कलर। फर्स्ट एक्रेलिक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, ताकि जब यहाँ पे आपका अपनी वॉल को धोएं या फिर कुछ हो जाए, पानी की बूंद पड़ जाए, तो वो आपका जो कलर है वो धुले नहीं, ताकि आपकी जो वॉल है वो खराब ना हो। तो आपको परमानेंट कलर ही यहाँ पे यूज करने हैं, तो एक्रेलिक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उनसे काफी अच्छी शाइनिंग आपको देखने को मिलेगी जब आप वॉल पे उनको करेंगे। तो एक्रेलिक कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड जो कलर है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो आप वॉल पे यूज करते हैं, जैसे वाइट पेंट आता है वॉल पे यूज करने के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसमें कलर मिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो बर्जर के पेंट आते हैं, पेंट्स आते हैं, तो उनको भी यूज कर सकते हैं। तो काफी तरह के कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर में रेड कलर मिक्स किया, तो थोड़ा सा पिंकिश यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इफेक्ट। तो इस तरह का लोटस आप बनाना चाहते हैं तो जरूर से बना सकते हैं। और आपको जब भी कलर करना है तो आपको ब्रश को इस तरीके से चलाना है जो आपकी फ्लावर की पंखुड़ियां हैं उनकी शेप में, उनकी डायरेक्शन के अनुसार ही आपको जो अपना कलर है, जो ब्रश है, उसको चलाना है। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे चलाते हैं तो आपके वॉल पे काफ़ी सारे पैचेस पड़ जाएंगे, जो ब्रश की लाइनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में चली जाएंगी, तो वहाँ पे आपका जो फ्लावर है वो काफ़ी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रश किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से चलाना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है, जब आप इस तरह की वॉल पेंटिंग बनाते हैं तो ब्रश को आप काफ़ी पीछे से पकड़ना पड़ता है। अगर आप ब्रश को आगे से पकड़ेंगे, जिस तरीके से आप पकड़ते हैं जब आप वाटर कलर की जो भी पेंटिंग्स बनाते हैं पेंटिंग करने के लिए छोटे पेपर पे, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से ब्रश नहीं पकड़ना है। यहाँ आप जितनी पीछे से ब्रश को पकड़ेंगे उतना आपका हाथ जो है फ्लो में चलने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्रश को आप किस तरह से पकड़ें, और तीन फिंगर में आप ब्रश को पकड़ें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी बिगनर्स को मैंने देखा है जो ब्रश को बिल्कुल टाइटली पकड़ लेते हैं, तो उनका हैंड जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मूव नहीं हो पाता है। जितना आप ब्रश को पीछे से पकड़ेंगे और जितना बिल्कुल स्मूथ पकड़ेंगे, बिल्कुल भी टाइट उसको ग्रिप आपको टाइट ग्रिप नहीं देनी है, बिल्कुल हल्की ग्रिप रखनी है अपनी। तो जितनी आप इस तरीके से पकड़ने वाले हैं और आपका जो हाथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट होने वाला है, तो उससे आपका जो फ्लो है, फ्लावर में फ्लो है, और आपकी वॉल का जो ओवरऑल लुक आएगा
तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको ब्रश इस तरीके से पकड़ना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और थोड़ी वॉल पेंटिंग में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो एजेस हैं, ताकि आपकी जो बैकग्राउंड है वो आपकी ख़राब ना हो। एजेस जो हैं वो काफ़ी शार्प आने चाहिए आपके। जब आप इस तरह की पंखड़ी बनाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो आपके जो एजेस हैं उनको देखना है आपको, वो काफ़ी शार्प आने चाहिए। जो लाइनिंग है वो बिल्कुल भी कर्व वाली नहीं होनी चाहिए आपकी, जो जिगजैग लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जितना आप एकदम फ्लोली उसको चलाएंगे, मूवमेंट देंगे अपने हाथ को, उतनी आपकी सीधी लाइन और बिल्कुल फ्लो में लाइन आने वाली है। तो इस तरह की लाइनों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। और यहाँ पे बात करते हैं तो एजेस की, तो वो काफ़ी शार्प होनी चाहिए। और जब आप कलर करते हैं तो आप यहाँ पे 5 नंबर ब्रश का, और जो फ्लैट में ब्रश आते हैं 5 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट ब्रश काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आप राउंड ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ एजेस बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जो अंदर लीफ में जो भी आप पंखड़ी बना रहे हैं उसमें कलर करेंगे पूरा, तो आपको फ्लैट ब्रश बड़े साइज का लेना है, ताकि आपका जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मिक्स हो जाए। क्योंकि यहाँ पे वॉल में जब आप पेंटिंग करते हैं, पेंट लगाते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी सूखने लगते हैं, तो वॉल की टेंडेंसी होती है कि वो काफ़ी जल्दी कलर को सोख लेती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट वर्क करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी जल्दी वर्क करना पड़ता है, ताकि आपका जो कलर है वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और आपकी जो लाइनिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना दिखाई दें। तो काफ़ी स्मूथली वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे वाइट कलर का भी यूज़ करना पड़ेगा। जो जब मैंने यहाँ पे जो लोटस बनाया है उसमें जो वाइट कलर दिखाया है, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का भी यूज़ किया साथ साथ में, क्योंकि जिस टाइम वो गीला रहता है उसी टाइम अगर आप वाइट कलर से उसको मिक्स करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा एक लुक देता है और बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे लुक आने वाला है। और अगर आप वाइट कलर का यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें इतना अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आपको, उसमें आपकी जो लाइनिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि आपको वाइट कलर का भी यूज़ करते रहना है साथ में। अगर आप लीफ की बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ करे हैं, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। तो 2 कलर को आप हमेशा प्रिपेयर करिए, ताकि आपका जो कलर है, जितने भी कॉम्बिनेशन कलर के शेड्स बनाएंगे आप, उतनी आपकी जो पेंटिंग है वो काफ़ी 3D लगेगी और उतनी ही उभर के आएगी। जितने ज़्यादा शेड्स आप बना सकते हैं, जितने शेड्स लगा सकते हैं, उनको लगाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2-3 शेड्स लगाए हैं, तो यहाँ पे लाइट, डार्क और बिल्कुल डार्क यहाँ पे करा है, लाइट, मीडियम और डार्क। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और लीफ में थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिटेलिंग्स अगर दे देते हैं तो वो काफ़ी अच्छी लगती है, और इस तरीके से आपको बनाते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप वॉल पे वर्क करते हैं तो काफ़ी लंबे स्ट्रोक, काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रोक आप लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी बड़े स्ट्रोक जब आप लगाते हैं तो आपका जो हाथ है काफ़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट होने लगता है, और जितने ज़्यादा बड़े स्ट्रोक लगाएंगे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ेगा। और छोटे स्ट्रोक बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल भी आपको ब्रश को बिल्कुल धीरे धीरे नहीं चलाना है। जितने फ्लो में आप चला सकते हैं, जितनी तेज़ी से ब्रश चला सकते हैं उतनी तेज़ी से चलाइए यहाँ पे, तभी आपकी जो पेंटिंग है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हमारी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पेंटिंग आपको कैसी लग रही है। और यहाँ पे हमारी छोटी सी बालकनी है, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्क करा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको पेंटिंग किस तरह की लग रही है जब यहाँ पे हम 1-2 फोटो शूट करेंगे। और यहाँ पे आने वाले टाइम में वीडियोज़ भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको बालकनी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, और देखने में कैसा लग रहा है वो भी आप ज़रूर से बताइए। होप आपने वीडियो काफ़ी इंजॉय करी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह की वॉल पेंटिंग और भी आने वाली हैं, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स आने वाली हैं बिल्कुल 3D, तो इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।